न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त मैं बड़वानी में मौजूद हूं और सियासत की जमीन पर भारी घमासान मचा हुआ है। बड़वानी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर तमाम अटकलें, तमाम सियासत चली, जद्दोजहद चली और उसी को लेकर अंतिम क्षण में एक फैसला आता है जिला अध्यक्ष ओम सोनी की तरफ से, जिसमें ये कहा जाता है कि बड़वानी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी कविता विकास आर्य को बनाया जाता है। वहीं इसी को लेकर अब खुलकर गुटबाजी देखी जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पार्टी ने अधिकृत तो कविता विकास आर्य को कर दिया, लेकिन जो मंत्री प्रेम सिंह पटेल वो अपने पुत्र को लेकर बनाने को लेकर अड़े हैं, क्योंकि फॉर्म दो भरे जा चुके हैं। जी हाँ, दोनों कैंडिडेट भाजपा के हैं, एक अधिकृत हैं और एक बागी के रूप में सामने आए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं विकास आर्य, जो कि पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य के पुत्र हैं। विकास जी, अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा पार्टी ने कर दी, क्या कहेंगे इस तरह? देखिए, अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी कविता आर्य ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष का फॉर्म यहाँ पर हमें डाला है। उसी दिन में मतदान अभी चालू होने वाला है। फॉर्म दो भरे जा चुके हैं, क्या देखिए, ये तो प्रेम सिंह पटेल जी यहाँ पर जो मंत्री है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी सिरे से नकार दिया, उसके बाद में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को नकार दिया और माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी और सभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है उनके सिरे से उन्होंने उनकी बात को खारिज करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जिला पंचायत के सदस्य थे, उनके साथ में मिलकर पार्टी के साथ में धोखाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाकर यहाँ पर उन्होंने उनके बेटे का फॉर्म यहाँ पर डाला है। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो इससे प्रदेश नेतृत्व को स्वयं को मालूम पड़ चुका है कि उनकी बात की अवहेलना करना निश्चित तौर पर पार्टी की बहुत बड़ी अवहेलना है। ये मैं प्रदेश नेतृत्व से आह्वान करूंगा कि हम जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे हमें अधिकृत कराए तो हमने फॉर्म डाला, चाहे तो आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है, किंतु हम पार्टी के बाहर जाने वाले कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ पर हम पार्टी के आदेश का पालन करने वाले कार्यकर्ता है। ऐसे जो पार्टी विरोधी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, हमेशा प्रदेश नेतृत्व से आह्वान करता हूँ। एक बड़ी बात विकास आर्य ने कही है, पूर्व मंत्री के पुत्र ने, क्योंकि बगावत पर उतरे हैं मंत्री प्रेम सिंह पटेल, क्योंकि अधिकृत पार्टी ने विकास आर्य की पत्नी कविता आर्य को कह रहा है और उसी को लेकर एक बड़ी बात कह दी है कि अगर ऐसे बागी मंत्री अगर पार्टी में रहे, क्योंकि पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। तस्वीरें साफ हो चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्री प्रेम सिंह पटेल बागी होने के बाद में उनके पास मत नहीं है, लेकिन चार सदस्य कांग्रेस के होने के साथ साथ वे जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बागी के रूप में खुलकर अब बीजेपी में गुटबाजी देखी जा रही है। बागी के रूप में मंत्री प्रेम सिंह पटेल उभर कर सामने आए हैं। न्यूज़ लीडर्स के साथ जफर अशरफी की रिपोर्ट।